नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीएन 24 पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। आइए नजर डालते हैं झारखंड की खबर पर। तोइला डूंगरी के साहू परिवार ने अपने परिवार के हर दिल अजीज रहे स्वर्गीय गोपी चंद साहू जी के चौथे पुण्यतिथि पर प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन एवं संस्था अंत्योदय एक अभियान के पहल पर बिस्टुपुर स्थित पार्वती घाट को एक अत्याधुनिक डीप फ्रीजर समाज में हर वर्ग के उपयोग हेतु प्रदान किया गया। आपको बता दें, लावारिस पार्थिव शरीर को पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करने के लिए संस्था अंत्योदय एक अभियान के संस्थापक एवं पार्वती घाट के सचिव के हाथों PSF के द्वारा सहयोग राशि प्रदान की गई। इनका मकसद मानव सेवा को सर्वोपरि रखना, पार्थिव शरीर को और परिवार के कोई भी सदस्य के आने में विलंब होने पर घर पर ही मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ इस डीप फ्रीजर में सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर कोई लावारिस पार्थिव शरीर होगा तो वह सिर्फ और सिर्फ पार्वती घाट के सचिव एवं अंत्योदय एक अभियान के संस्थापक के दिशा निर्देश में ही संभव हो पाएगा। आज स्वर्गीय गोपी चंद साहू जी के चौथे पुण्यतिथि पर पार्वती घाट के पीछे ही स्थित नव जागृत मानव समाज कुश आश्रम यानी अंत्योदय भवन परिसर में वहां रह रहे 50 पीड़ित एवं असहाय लोगों के लिए उत्तम से उत्तम भोजन की भी व्यवस्था की गई। इस अत्याधुनिक डीप फ्रीजर को पार्वती घाट के सचिव दीपेंद्र कुमार भट्टी को सुपुर्द करने के समय तुइला डूंगरी साहू परिवार के कर्णधार मनीलाल साहू, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साथ PSF के निदेशक अरिजीत सरकार, दीपक मित्रा, भास्कर कुंडू एवं अन्य मान्यगण शामिल रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। झारखंड की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ GBN 24 पर।